अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड ऑफ द एंकल जॉइंट। आज हम लोगों ने एंकल जॉइंट पढ़ना है। सबसे पहले जिस तरह हम हर रीजन की एनाटमी से स्टार्ट करते हैं कि मस्कोस्केलेटल में उस एनाटमी में हम लोग बोन्स को इन्वॉल्व करते हैं, कौन कौन सी बोन्स हैं जो कि उस जॉइंट को बना रही हैं, उसके अलावा कौन से लिगामेंट्स हैं जो उन बोन्स को जो है वो यूनाइट कर रहे हैं, फिर हम मसल्स देखते हैं कि वो मसल्स जो वहां से गुजर रहे हैं और उनके टेंडन्स वहां से क्या पास कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर्स को देखना होता है, ठीक है। बाकी उसका अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जो कि हम साथ साथ देखते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनकी कुछ पैथोलॉजीज पढ़नी होती हैं, इन्हीं से रिलेटेड ही होती हैं। अब हमारे टेंडन्स की कोई इंजरीज हो सकती हैं, उनमें कोई रप्चर हो गया है, उसके अंदर कोई टीयर आ गया है और पेशेंट कंप्लेन के साथ आएगा कि उसको ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा। सेम लाइक डैट के लिगामेंट्स की इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। एंकल जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर जो है स्पोर्ट्स इंजरीज खास तौर पे, और वहां पे स्प्रेन और स्ट्रेन के ज्यादातर जो है ना चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा जो ज्यादा स्पोर्ट्स इंजरीज होती है ना, या फिर आप खुद भी देख लो कि जो ज्यादा हील यूज कर रहा होता है या उनका पाउंड का ट्विस्ट हो गया तो उसको स्ट्रेन हो गया, उसको स्प्रेन हो गया। What does that mean? कि इस एरिया में आपको जो है टेंडन्स जो है ना उनके रप्चर होने के जो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, टेंडन्स या लिगामेंट्स के, ठीक है। उनमें टीयर आ गया, ट्विस्ट हो गए हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा हम लोगों ने एक बिल्कुल बेसिक मस्कुलोस्केलेटल का जो सबसे पहले हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक क्रिटिकल जोन भी होता है, ठीक है। उस क्रिटिकल जोन के कुछ एरियाज पढ़े थे, उन क्रिटिकल जोन में एक एचिलस टेंडन भी पढ़ा था कि एचिलस टेंडन जो है वो हमारे क्रिटिकल जोन क्रिटिकल एरिया के अंदर आता है। तो एचिलस टेंडन बेसिकली एंकल ज्वाइंट पे ही हमारे पास है और ये इस एरिया को हम क्रिटिकल जोन इसीलिए कहते हैं बिकॉज दीज एरियाज आर लेस वैस्कुलराइज्ड, ठीक है। इसीलिए इन एरियाज को हम, और इस पे चांसेस होते हैं रप्चर होने के ज्यादा, ठीक है। जो स्टार्टिंग विद द एनाटमी ऑफ द एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट की जो बोन्स है ना वो आपको खुद ही समझ आ रही है। एंकल जॉइंट हमारा कौन सा जॉइंट होता है, ये जो फुट के ऊपर जो जॉइंट बनता है इसको हम कहते हैं एंकल जॉइंट। और हमें पता है कि हमारे पास कौन सी बोन्स हैं जो कि मिलके हमारे पास एंकल जॉइंट बनाएंगी। ऊपर जो लोअर लेग की बोन्स है दोनों, फिबुला और टिबिया, ठीक है। और नीचे हमारे पास कौन से फुट के अंदर बोन होती है जो सबसे ऊपर पड़ी होती है, सबसे बड़ी बोन जो थोड़ी ऊपर कैल्केनियस बोन से ऊपर होती है, दैट इज टैलस, ठीक है। तो ये तीन बोन्स जो है ये मिलके हमारे पास कौन सा जॉइंट बना रही है, एंकल जॉइंट, ठीक है। देयर आर थ्री बोन्स दैट मेक्स अप द एंकल जॉइंट। नंबर वन इज द टिबिया जिसको हम शिन बोन भी कहते हैं, लोअर लेग की हमारी ये दोनों बोन्स है। नंबर टू इज द टैलस बोन दैट सिट्स बिटवीन द हील बोन एंड द फिबुला एंड द टिबिया। ये जो हमारी हील बोन है इसको हम कैल्केनियस भी कहते हैं, ठीक है। कैल्केनियस या हील बोन जो है सेम है, इसके ऊपर ही हमारे पास टैलस होती है जो कि यूनाइट करेगा टिबिया और फिबुला को, और हमारे पास फिबुला जो है वो जैसे लोअर लेग की बोन है, ठीक है। तो ये तीनों बोन्स हमारे पास इसकी बोनी एनाटमी बनाएंगी एंकल जॉइंट। अच्छा, फिर जो मसल्स प्रेजेंट इन द एंकल जॉइंट, ये जो आपके पास कलर्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे हमारे पास मसल्स हैं। और ये जो ब्लू कलर में इस तरह साइड पे जो मसल आ रहा है, दिस इज द फेबुलेरस लॉन्गस मसल, फेबुलेरस ब्रेवस मसल, फिर उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर हेलुसस लॉन्गस एंड टिबियालिस एंटीरियर। दीज आर द मसल्स दैट इन्वॉल्व दैट आर प्रेजेंट एंड कमिंग फ्रॉम द लेग, ये ऊपर से यू की तरफ आएंगे और जो ना फुट को एंकल ज्वाइंट को पास करके आगे फुट में जाते हैं, ठीक है। तो आप बस इन मसल्स को याद कर लो। ये हमारे पास आ गए, हमारे नेक्स्ट आ गए लिगामेंट जो व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द लिगामेंट्स ऑफ द एंकल ज्वाइंट, ठीक है। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आप देखो ये हमारे पास टैलस बोन जो है ना जहाँ पे ये पड़ी होती है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों बोन्स ऊपर आके उसके अंदर सिट वो उसके अंदर फिक्स होती हैं और हमारे पास एंकल जॉइंट बनाती हैं। और इसी के ज्यादातर हमारे पास इंटीरियर जो हमारे पास लिगामेंट है ना यहाँ पे जिसको फेब्रोटेलर लिगामेंट जो कहते हैं, इंटीरियरली यहाँ पे पड़ा होता है, ये जो लिगामेंट है ना इसके रप्चर होने के या इसके स्ट्रेन या स्प्रेन होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। बाकी लिगामेंट्स आप देख लो इनमें कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, ये आप बोनी स्ट्रक्चर देख रहे हो, टिबिया बोन है, साइड पे हमारे पास जो आप बोनी प्रोमिनेंस होती है डेट इज नोन एज द मेलुलस, आपको पता ही है जो वाइट साइड पे हमारे पास बोनी प्रोमिनेंस है ये कहती है इसको मीडियल मेलुलस, ठीक हो गया। आगे नीचे बोन कौन से होगी, टैलस, और ये जो आगे आप इंटीरियर टिबियो टेलर पार्ट है, दिस इज द व्हाइट कलर, ये जो इस तरह करके नजर आ रहा है, दिस इज द टिबियो
सॉरी इंटीरियर टिबियो टेलर पार्ट, तो ये जो है ना ये लिगामेंट ये वाला है मोस्टली यही रप्चर होता होता है, ठीक है। तो आप लोग इनके जो है ये सारे लिगामेंट्स देख लो, ये जो व्हाइट कलर के आपको लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं उनके नाम याद कर लो, डॉर्सल टार्सल लिगामेंट, लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट, प्लांटर कैलकेनियस, नेविकुलर लिगामेंट, ये सारे लिगामेंट्स है जो कि हमारे एंकल ज्वाइंट के हैं। देन हम लोग आ जाओ टेंडन्स की तरफ, एनाटमी पढ़ रहे हैं हम लोग, और एनाटमी में सबसे पहले एंकल ज्वाइंट है आज का हमारा टॉपिक। लेट क्यों आए हो पहले तो ये बताओ ना, कितनी लेट आते हो, 20 मिनट बस लेट हो गई थी। अच्छा आज का टॉपिक हमारा एंकल का, एंकल पढ़ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एंकल देखना है, एंकल हमारा किधर होता है आपको पता ही है कि उसमें कौन कौन से, पहले हम लोग उसकी एनाटमी कंप्लीट कर रहे हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, ऊपर हमारी दोनों लोअर लेग की बोन्स आ गई टिबिया और फिबुला, एंड देन नीचे जो है हमारी फुट की जो सबसे ऊपर टैलस है ना, टैलस जो है वो यूनाइट करेगा इन दो बोन्स के साथ, तो एंकल जॉइंट बनता है। फिर हमने उसके लिगामेंट्स कुछ पढ़े हैं, ठीक है, और उसके बाद हम अब टेंडन्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास कुछ टेंडन्स हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे हैं। उसके अलावा हमने क्रिटिकल जोन पढ़ा है, हमने क्रिटिकल जोन के अंदर ये पढ़ा था ना कि एचएलएस टेंडन जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ क्रिटिकल जोन। तो क्रिटिकल जोन बेसिकली था क्या, इट्स अ लेस वैस्कुलराइज्ड एरिया जहाँ पे वेसल्स जो है वो कम होती हैं या एबसेंट होती हैं, ठीक है, उसको हम क्रिटिकल जोन कहते हैं, और इसी वजह से उसके टीयर होने के या उसके रप्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो हमारे पास पोस्टीरियरली पड़ा हुआ ना, दिस इज द एचएलएस टेंडन, ठीक है, जो ये पोस्टीरियरली आप देख रहे हो, ठीक है, और एचएलएस टेंडन इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिटिकल एरिया। बाकी हमारे पास ये फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस का टेंडन, पोस्टीरियर टिबियल टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड एंटीरियर टिबियल टेंडन, दीज आर द टेंडन्स दैट आर इम्पोर्टेंट, और ये हमारे एंकल जॉइंट के यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर हम लोग हमेशा से जो एनाटॉमी में बढ़ते हैं, पहले बोन्स, फिर लिगामेंट, फिर टेंडन, एंड देन बर्सास। व्हाट आर बर्सास? दीज आर फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स कॉमन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली इनका काम क्या होता है, ये आपको कुशनिंग इफेक्ट्स देते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, और दे आर फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और नॉर्मल ये किसी एरियाज में हमारे पास जिस तरह हमने बाकी एरियाज में पढ़े थे, सेम लाइक डैट के हमारे एंकल के पास भी यहाँ पे कुछ बर्सास हैं। व्हाट आर दीज? रिट्रोकैल्केनियल बर्सा, ये हमारे पास कैल्केनियस बोन है और यहाँ पे हमारे पास एक बर्सा है छोटा सा पड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं रिट्रोकैल्केनियल बर्सा। देन हमारे पास कौन सा है? सबकुटेनियस बर्सा ऑफ द मीडियल मेलुलस, एंड थर्ड वन इज द सबकुटेनियस कैल्केनियल बर्सा, ये बिल्कुल हमारे कैल्केनियस बोन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर वेट जो है वो हमारा किस पे आ रहा है, फुट पे ही आ रहा है, तो उसके फुट में भी हमारा कौन से पार्ट पे? हील जो होती है, ठीक है, तो हील के ऊपर हमारे पास ये थोड़ा सा बड़ा सा बर्सा होता है कंपैरेटिव टू दीज टू, तो ये सब कुटेनियस कैल्केनियल बर्सा इज प्रेजेंट बीनीथ दैट कैल्केनियस बोन। हमारे पास कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिससे पेशेंट प्रेजेंट करेगा, और आप उसका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड पे ये चीजें हमें नजर आ सकती हैं। सेम लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम, यहाँ पे भी एक सिंड्रोम है जिसको कहते हैं टार्सल टनल सिंड्रोम, टनल है यहाँ पे भी जिसके अंदर से स्ट्रक्चर्स कुछ पास कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा है कि एचएलएस टेंडन इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, उसके उसकी पैथोलॉजीज हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें रक्चर हो सकता है, उसका टीयर हो सकता है, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी, ठीक है, पोस्टीरियर एचएलएस टेंडन का बर्साइटस और एंटीरियर एचएलएस टेंडन बर्साइटस। Then plantar fasciolus and plantar fibromatosis, sesamoiditis, it's an inflammation of sesamoid bone, जो हमारी है उसकी inflammation है, itis है जहां पे आया, this is represents के वहां पे inflammation हो गई है। किन complaints के साथ patient आपके पास ankle joint की problems के साथ present करेगा? Pain, swelling, stiffness तो common है। आपके पास patient जब भी कोई muscle skeletal problems के साथ आता है तो उसके अंदर pain, swelling और stiffness तो normal है। उससे फिर आप अल्ट्रासाउंड की प्रोब रखते हुए देखते हो कि अगर आपको आगे इन्फ्लेमेशन मिल सकती है, टीयर मिल सकता है, जितनी भी ये कंडीशंस होती है ना, जो भी हमारे पास पैथोलॉजी है उनमें ये जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये तो सब में कॉमन है। पेन उसको होगी, स्वेलिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू टीयर, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफिकली हम डिटेक्ट कर सकते हैं, टीयर में भी स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन में भी स्वेलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फ्लूइड अकोमुलेट हुआ हुआ है वहां पे, आपको कुछ सिस्ट बनी हुई है, कोई ऐसा फ्लूइड ज्यादा हो गया वहां पे, तब भी स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। स्टिफनेस हो सकती है,
देन हमारे पास प्रॉब्लम्स मूविंग द एंकल. अभी एंकल जॉइंट की क्लिनिकल फीचर्स पड़ रहे हैं तो उसको उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ब्रूजिंग उसको हो सकती है, इनएबिलिटी टू पुट एनी वेट ऑन द एंकल. ठीक है, जो भी हमारी वॉकिंग और जो भी हमारी एंकल को मूव करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, पेशेंट विल प्रेजेंट विद दीज क्लिनिकल फीचर्स. दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एंकल जॉइंट. ठीक है, देन हमारे पास टेक्निक फॉर मस्कुलोस्केलेटल जिस तरह हम यूज करते आ रहे हैं, प्रोब कौन सी यूज करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी लीनियर प्रोब, लीस्ट फ्रिक्वेंसी 7.58 तक जो है उसकी लीस्ट फ्रिक्वेंसी होगी. कोशिश करते हैं इससे अबव वाली फ्रिक्वेंसी को यूज करें हम लोग, ताकि हम लोग और बेहतर से देख सकें, हम लोग उनकी रेजोल्यूशन को डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम लोग उनका कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बेहतर बना सकें. फॉर डैट Always use high frequency linear probe, more than 10 megahertz is good. ठीक है, वो जितनी और बेहतर होती जाएगी और फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उसकी रेजोल्यूशन बेहतर हो जाएगी. अच्छा, उसके अलावा हम पेशेंट की पोजिशनिंग कैसे करेंगे फॉर द एंकल जॉइंट. पेशेंट लाइज सुपाइन इन ऑल एंकल एग्जामिनेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ एचिलस टेंडन एंड द प्लांटर फेशियलस. वी ऑल नो कि प्लांटर फेशियलस जो है हमारे नीचे जो साइड होती है उसमें है, और जो एचिलस टेंडन है वो बैक पे है. ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी पोजीशन चेंज करेंगे. अदरवाइज जो है पेशेंट को हम लोग सीधा लिटा के और उसके पाँव को इस तरह जिस तरह हम लेट के पाँव को ना प्लांटर साइड उसकी रखते हैं. ठीक है, बिल्कुल सीधी टांगे नहीं करनी है, जिस तरह उसकी नीज को थोड़ा सा बेंड करके उसको उस तरह उठा के उसके बाद फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं. फॉर द अल्ट्रासाउंड ऑफ द एचिलस टेंडन एंड द प्लांटर फेशियलस पेशेंट लाइज प्रॉन, या प्रॉन उसको लिटा दो या फिर उसको बिल्कुल टांगे सीधी कर दो और आप फुट साइड पे चले जाओ, प्लांटर साइड को हम लोग देख सकते हैं उस तरह. ठीक है, बट फॉर द एचिलस टेंडन ऑब्वियसली फिर हम उसको प्रॉन करेंगे, बट प्लांटर साइड को हम देखने के लिए पेशेंट को हम लोग सीधा भी लिटा के उसके फुट साइड पे प्रोब रखते हैं, वो उस तरह हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं. लेकिन उस तरह फिर एचिलस टेंडन नहीं हम लोग देख सकते, एचिलस टेंडन बिल्कुल बैक पे पड़ा होता है. एचिलस टेंडन के लिए प्रॉन पोजिशन है, अदरवाइज ये आपकी सारी पेशेंट की पोजिशनिंग होगी. अच्छा, ये देखो इस तरह प्रोब उन्होंने कैसे रखी हुई है. ये कौन सी साइड है, मीडियल साइड है. ठीक है, यहाँ पे मीडियल मैलुलस आपको नजर आ रहा होता है. ठीक है, अगर हम लोग इस तरह प्रोब रखते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर्स ऊपर सबसे, ये हेड साइड इस तरफ, टैलस कैल्केनियस एंड मीडियल मैलुलस, ये आपको सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है, व्हाइट कलर की जो लाइन्स नजर आ रही है, दीज आर द बोन्स ऑफ एंकल ज्वाइंट. आपके पास ऊपर जो है हमारे पास मीडियल साइड पे कौन सी बोन होती है, टिबिया या फिबुला? हाँ, ठीक है, तो ऊपर हमारे पास अगर इस साइड पे प्रोब रखी है तो हमें बोन्स कैसे, अगर तीनों लाइन में नजर आ रही है, लॉन्गिट्यूडनली हम स्कैन कर रहे हैं तो हम लोग रो में देखेंगे. तो ऊपर सबसे जो होगी हेड साइड पे हमारे पास टिबिया, देन सेंटर में टेलस और सबसे नीचे कैल्केनियस बोन. ठीक है, तो दीज आर द बोनी स्ट्रक्चर्स. ऊपर आपको इसके कुछ लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं, व्हाइट कलर के स्मॉल एरोस जो दिखा रहे हैं लिगामेंट्स है, कौन से लिगामेंट्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कौन सी पेशेंट कंप्लेन आती है, ज्यादातर स्प्रेन और स्ट्रेन ही होता है. हम लोगों ने पहले स्प्रेन और स्ट्रेन पढ़ लिया हुआ है कि स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है. हाँ, ठीक है, रट्टा लगाने के लिए मैंने बताया था, जिसमें टी आ रहा है, स्ट्रेन है, टी है तो टेंडन की इंजरीज या टेंडन की उसमें टीयर आ गया है, टेंडन की इन्फ्लेमेशन, टेंडन का प्रॉब्लम है. ठीक है, और जो स्प्रेन है, ऑल द पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द लिगामेंट. ठीक है, तो इसके अंदर दोनों बताया हुआ है कि व्हाट इज स्प्रेन एंड व्हाट आर स्ट्रेन. और एंकल का स्ट्रेन और स्प्रेन तो बहुत कॉमन है, स्ट्रेन हो गया है, पाँव थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, स्प्रेन आ गया. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है. ठीक है, एंड एंकल स्प्रेन रेफर्स टू द इंजरी ऑफ द लिगामेंट्स एंड कैप्सूल, वेयर एज द स्ट्रेन रेफर्स टू द इंजरी ऑफ द टेंडन एंड मसल्स अटैच टू देम. ठीक है, तो स्ट्रेन और स्प्रेन का डिफरेंस तो आप लोगों को पता अभी तक चल ही गया होगा. तो ये ऊपर आप लोगों को ब्लू कलर में लिगामेंट्स दिखाए हुए हैं जो कि मोस्टली जो है हमारे पास क्या स्प्रेन कॉज करते हैं, और ये जो रेड कलर में दिखाया हुआ है ये वाले टेंडन जो है इनकी इंजरीज, इनकी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको स्ट्रेन हो सकता है. ठीक है, नेम याद कर लेना कि एंकल पे स्प्रेन या स्ट्रेन कौन से लिगामेंट या कौन से टेंडन करवा रहे हैं. दो हमारे पास टेंडन है डेट आर कॉजिंग स्ट्रेन ऑन द एंकल जॉइंट, ये जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, पेरोनियस टर्शियस टेंडन एंड पेरोनियस ब्रेविस टेंडन. ठीक है, दीज आर द टेंडन जो कि क्या करेंगे, स्ट्रेन कॉज करेंगे पेशेंट को. और ऊपर जो हमारे पास लिगामेंट है वो क्या है, स्प्रेन की कॉज हो सकते हैं. की पॉइंट क्या है, द इंटीरियर टैलोफिब्रुलर लिगामेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व लिगामेंट इन मोस्ट ऑफ द स्प्रेन्स. ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको लिगामेंट्स में बताया था, जो इंटीरियरली यहाँ पड़ा होता है टैलस बोन के, ये वाला इंटीरियर
टैलो फेबुरल लिगामेंट, ये हमारे पास पीछे ये टैलस बोन है और उसके ऊपर जो इंटीरियरली ये वाली जो हमारा लिगामेंट है ना, इसके स्प्रेन होने के मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं. ठीक है, इंटीरियरली पड़ा हुआ है, जरा सा भी ट्विस्ट हुआ पाऊ कहीं पे, ठीक है, तो ये इंटीरियरली इसके अंदर चांसेस होते हैं कि ये रप्चर हो जाए, इसमें टीयर आ जाए. तो मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास की पॉइंट है, याद रखना, इफ आई आस्क कि कौन सा लिगामेंट इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड एट एंकल जॉइंट. ठीक है, तो एंकल जॉइंट में हमारे पास सबसे कॉमन जो है एंटीरियर टैलोफिब्रुलर लिगामेंट है. तो लिगामेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्प्रेन के साथ पेशेंट आपके पास आएगा. तो इफ आई आस्क, थोड़ा सा इसको इस तरह करके पूछ लूं कि स्प्रेन कॉज कर रहा है एंकल जॉइंट में, पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द स्प्रेन. ठीक है, यहाँ कोई सिनेरियोस दे दूं, सिनेरियो ऐसा कि पेशेंट को स्प्रेन आ गया है इसकी वजह से, ठीक है, कोई भी इंजरी हुई है जिस तरह भी. ठीक है, तो स्प्रेन आया तो मोस्ट कॉमनली क्या चांसेस है, कौन से लिगामेंट के वो जो है इन्वॉल्व होगा. तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर टैलोफेब्रुलर लिगामेंट इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व लिगामेंट इन स्प्रेन. उनको फिर कैटेगराइज किया हुआ है हम लोगों ने तीन ग्रेडिंग में, ग्रेड वन, ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री. ग्रेड वन क्या होता है, जिसके अंदर स्ट्रेचिंग या स्लाइट टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट विद माइल्ड टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस. इसमें टीयरिंग होगी, टीयर हुआ है लेकिन स्लाइट. ठीक है, अच्छा, ग्रेड टू क्या है, अ मोर सिवियर स्प्रेन बट इनकम्प्लीट टीयर विद मॉडरेट पेन, स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग. ये इंटरमीडिएट हो गया, और जो सिवियर होगा या कंप्लीट टीयर होगा, पूरा का पूरा लिगामेंट जो है उसका टीयर हो गया है. ठीक है, वो इनकम्प्लीट है और स्लाइड थोड़ा सा भी होगा, वो ग्रेड वन. तो तीन को हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया, ग्रेड वन, ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री. ठीक है, ये स्प्रेन की ग्रेडिंग है, स्प्रेन की. ठीक है, तो उसी तरह उनके साथ उनकी पेशेंट प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल फीचर्स भी वैसे ही होंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सुवेयर. के पेशेंट पेन उसके ज्यादा माइल्ड या सुवेयर या जो भी है, उनको ग्रेडिंग वाइज हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर लिया क्लिनिकल फीचर्स को उसके. एचएलएस टेंडन दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक मैंने बता दिया लिगामेंट इज इंपॉर्टेंट एट द एंकल जॉइंट, कौन सा है, एंटीरियर टैलोफेब्रुलर लिगामेंट, एंड द अदर वन इज द एचएलएस टेंडन, जो कि इंपॉर्टेंट है इंजरीज में, ये इंटीरियर में ये और पोस्टीरियर एचएलएस टेंडन है. ये इनके ये पीछे आप देख रहे हो, इसमें क्या हुआ, टीयर हुआ है इस लिगामेंट के अंदर, टेंडन के अंदर. तो वो जो अगर पूछूं, तो अगर वो हो गया स्प्रेन, और जो स्ट्रेन कॉज कर रहा है मोस्ट कॉमन एंकल जॉइंट पे, वो ज्यादातर एचएलएस टेंडन का ही स्ट्रेन हो सकता है. एचएलएस टेंडन टीयर आर द मोस्ट कॉमन एंकल टेंडर इंजरीज एंड आर मोस्ट कॉमनली सीन सेकेंडरी टू स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज, स्पेशली स्क्वॉश एंड बास्केटबॉल. ठीक है, क्या इसके अंदर अगर कोई भी हमारे पास इंजरी आ गई है, किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी या कोई ट्रॉमा की वजह से अगर इंजरी आती है, और पेशेंट प्रेजेंट विद स्प्रेन, स्ट्रेन है उसको, और स्ट्रेन हम लोग देखते हैं, और जब अल्ट्रासाउंड किया है तो उसका टेंडन रप्चर हुआ हुआ है, डेट मींस उसको स्ट्रेन है. ऑलवेज रिपोर्ट के उसको स्ट्रेन है, कौन सा टेंडन रप्चर हुआ हुआ है, एचएलएस टेंडन. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइड है ये टेंडन की, और मोस्ट कॉमन साइड फॉर द लिगामेंट और स्प्रेन कॉज करता हुआ हमारे पास लिगामेंट कौन सा है, इंटीरियर टैलोफेब्रुलर लिगामेंट. ठीक हो गया, अच्छा, अब ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, ये ऊपर देख रहे हो, ये हमारे पास रिट्रोकलकेनियस बर्सा है, एनेक्विक्स आपको नजर आ रहा है बिल्कुल. ठीक है, बोलसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कलकेनियस बोन पीछे ये जो व्हाइट कलर की नजर आ रही है विद द पोस्टीरियर शैडोइंग इज द कलकेनियस बोन, और ये यहाँ पे कौन सा पड़ा हुआ है, बर्सा, रिट्रोकलकेनियल बर्सा, और ये ऊपर एचएलएस टेंडन ये गुजर रहा है ऊपर. ठीक है, आगे एकोजेनेसिटी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट मींस देयर इज सम रप्चर, या यहाँ पे कोई हम आपको नजर आ रहा है टीयर वगैरह, दैट माइट बी कम्प्लीट तो नहीं लग रहा, इनकम्प्लीट है या स्लाइट उसके अंदर टीयर हो रहा है. कम्प्लीट होगा तो बिल्कुल साइड साइड अलग अलग से हमें प्रॉपर टीयर नजर आएगा. ठीक है, अच्छा, लिमिटेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की एक लिमिटेशन है, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं मस्कोस्काइटल अल्ट्रासाउंड के अंदर देर आर सम लिमिटेशन. किसी हद तक हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं कि भाई इसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, अदरवाइज हम लोग ज्यादातर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई इन्वॉल्व करते हैं फॉर मस्कोस्केलेटल के लिए. क्या लिमिटेशन है, यहाँ पे भी शोल्डर में भी हमने देखी थी, ग्लिनोहेमरल जॉइंट जहाँ पे मिल रहा है, अंदर लेब्रम था उसको हम लोग देख नहीं सकते, तो उसकी लिमिटेशन थी शोल्डर जॉइंट में कि वो एरिया हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर नहीं आता था. For ankle joint, what are the limitation? Ultrasound does not show the structure inside the joint. Just like the shoulder joint, हमें जो structures posteriorly या inside वो capsule सा बना रहे हैं, उस तक हम लोग अपनी probe को नहीं लेकर जा सकते, because surrounding में bones पड़ी हुई हैं और वो shadow cause कर सकती हैं. We want a विंडो जहां से हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. हमने उसमें देखा था कि हमारे पास जब फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको हम जिसमें हम लोगों ने एक प्रॉब्लम वो पड़ा था, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से हमारे पास विंडो बन जाती है, जिसकी वजह से हम कुछ हद तक उसको देख सकते हैं.
ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्लूड हो गया, फ्लूड ऐसा हमारे पास क्या करता है, मीडियम हमारे पास काम करता है, तो उसकी वजह से अगर हम उन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देख सकते हैं, विंडो क्रिएट हो जाती होती है। तो इसी तरह इधर भी हम लोग जो है जो इनसाइड जॉइंट के स्ट्रक्चर्स हैं उनको विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है, एज वी कैन ओनली सी द सॉफ्ट टिश्यू आउटसाइड अराउंड द जॉइंट, वी कैन नॉट सी इनसाइड ऑफ दैट जॉइंट, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द एंकल जॉइंट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज नॉट एक्सेसिबल टू द डीप सीटेड लीजंस, इट कांट पेनिट्रेट एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वही बात है कि हम लोग इनसाइड ऑफ दैट जॉइंट हम लोग नहीं देख सकते। फिर उसके अलावा हमारे पास चॉइस ऑफ मोडालिटीज क्या है, वी ऑल नो कि हम लोग सबसे पहले कोई भी बोनी अगर मसला आ रहा है एंकल जॉइंट में, पेशेंट आया सबसे पहले पेन के साथ आएगा, वो एक्सरे करवाने आएगा। ठीक है, वो आपके पास अल्ट्रासाउंड भी पहले करवाने आएगा, सबसे पहले उसको कोई भी हमें भी कोई मसला होगा हम कहते हैं एक्सरे करवा लो। ठीक है, बोन जो है समटाइम्स क्या होता है, अगर उसके अंदर फ्रैक्चर नहीं आया तो डिसलोकेट हो जाती होती है। ठीक है, वो थोड़ी सी उसकी वजह से भी ट्विस्टिंग की वजह से प्रॉब्लम आ गई, अगर डिसलोकेट हो गया, ट्विस्ट हो गया, तो ऑब्वियसली उसने उसके टेंडन को जरूर इन्वॉल्व किया होगा, देन हम सॉफ्ट टिश्यूज की वजह से अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं या MRI की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले हम बोनी उसकी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो वो तो क्लियरली हमें एक्सरेस पे नजर आ जाएगा, और उसके अलावा अगर कोई उसके अंदर कोई डिसलोकेशन हुई है या बोन की ट्विस्ट हुआ हुआ है, बोन अपनी जगह से थोड़ा सा, तो वो भी हम लोग उसके ऊपर देख सकते हैं। उसने किया तो साथ में जरूर उसके टेंडन और लिगामेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, फॉर डैट हम लोग फिर उसको अल्ट्रासाउंड की तरफ लेकर जाएंगे। सीटी स्कैन हमारे पास क्या होता है, सीटी एंड MRI जो है मोर एक्यूरेट इमेजिंग है, बट फॉर बोनी हम लोग सीटी करते हैं, अदरवाइज सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज और सॉफ्ट टिश्यूज हम लोग नर्व की कोई प्रॉब्लम, न्यूरोपैथोलॉजिकल कोई कंडीशंस देखनी है उसकी, देन फिर वी विल रिकमेंड MRI, जो कि हमारी चॉइस ऑफ मोडालिटी में एक एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है। द चॉइस ऑफ मोडालिटी डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स, द साइज, पेशेंट कंडीशन, लोकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डिफेक्ट्स, तब हम लोग चॉइस करते हैं इसकी के कौन सी। अच्छा, अब हमारे पास ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर क्या है कि दोनों इन्वेस्टिगेशन जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज के लिए है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज के लिए कर रहे हैं, MRI क्या, कब हम लोग जो है अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करेंगे, कब जो है MRI, दोनों का डिफरेंस उन्होंने बताया है, इनको पढ़ ले। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या है, व्हेन स्ट्रक्चर्स आर सुपरफिशियल मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कैन शो इमेजेस विद अ हायर रेजोल्यूशन। ठीक है, इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नजर आ सकती है इसके अंदर अगर हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी लीनियर प्रोब है और कोई हमने स्ट्रक्चर सुपरफिशियली देखना है तो वो इतना क्लियर नजर आ सकता है। अलॉन्ग विद डैट हम लोग जो है उसकी डायनामिक इमेजिंग, ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास, रियल टाइम लाइक अ मूवी हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जिस तरह उसको और किसी मोडालिटी के अंदर ड्यूरिंग मूवमेंट, हम क्योंकि पेशेंट ज्यादातर मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स के साथ आता है कि उसको इस स्पेसिफिक मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसको अपना हैंड एब्डक्ट करने में प्रॉब्लम है, उसको एडक्शन में प्रॉब्लम है, उसको उसको सुपिनेशन में प्रॉब्लम है। वी ऑल नो कि हमारे पास ये वाले मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए, तो हम लोग प्रोब डायरेक्ट वहां पे रखेंगे फ्लेक्सर साइड पे, हम लोग एक्सटेंसर साइड पे, और तब उसको कहेंगे कि एक दफा अपनी वो जो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, कोशिश करो मूवमेंट करने की। हम लोग प्रोब रखते हुए देख सकते हैं कि वो वाले टेंडन्स या वो लिगामेंट जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं उस स्पेसिफिक मूवमेंट में, उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो मूव भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, नंबर वन, हमें उस पर टीयर नजर आ सकता है, फ्लूड नजर आ सकता है, हम स्पेसिफिक उस एरिया को ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, जो कि है डायनामिक इमेजिंग, रियल टाइम इमेजिंग। ठीक है, इमीडिएट इवैल्यूएशन हो सकती है, दूसरा पॉइंट ये था, एंड कैन डेमोंस्ट्रेट एबनॉर्मली डेटा आर ओनली सीन विद द मोशन लाइक इन पिगमेंट ऑफ द बर्सा इन द शोल्डर। ठीक है, इम्पिगमेंट क्या था, वो जो एरिया जहां से हमारे टेंडन्स जो पास कर रहे थे एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू मूवमेंट वो कॉज करते थे हमारे पास वहां पे इम्पिगमेंट। फॉर डैट अब हमें पता है कि मूवमेंट हमने करानी है उसकी, और मूवमेंट कराते हुए हम लोग जो है फिर उसको देखेंगे, तो फॉर डैट हम लोग अल्ट्रासाउंड को रिकमेंड करेंगे इस पिगमेंट टाइप, जिस जहां पे हमें मूवमेंट रिक्वायर्ड है एंड ड्यूरिंग मूवमेंट हमने स्कैन कर। These are the advantages of musculoskeletal ultrasound. ठीक है, और MRI is accurate imaging, हमें हर चीज क्लियर नजर आ सकती है। पहले तो हम immediate evaluation के लिए, यही हमारे advantages है, but for MRI हम क्यों MRI करवाएंगे, to evaluate the damage to cartilage, bone, other structure inside and around the joint, MRI is a better choice. Then MRI is also
preferred for the condition that impact deep or large areas. जिस तरह जो हमारी limitation थी अल्ट्रासाउंड की, हम लोग डीपर एरियाज को नहीं देख सकते थे, और हमारे पास वी ऑल नो के MRI और CT हमारे पास एक्सियल स्लाइसिस में या किसी भी हम लोग स्लाइस में जो है उसको इमेज को कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, जितनी भी स्लाइस रखनी हो, जितनी बारीकी से हम स्लाइस देखते हैं उसके MM को हम बढ़ा या कम ज्यादा कर सके जो है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ MRI. देन इफ अ पेशेंट नीड्स अ डिटेल्ड लुक एन एंटायर जॉइंट एंड MRI इज द बेस्ट. एंड लास्ट क्या है, MRI इमेजेस ऑफन शो अ ब्राइट सिग्नल इंडिकेटिंग देयर इज सम मोर वाटर इन द मसल व्हिच इज अ साइन ऑफ द इंजरीज. ठीक है, समटाइम्स हमें मसल्स के अंदर जो है ड्यू टू वाटर कॉन्टेंट वो हमें ब्राइट नजर आ सकता है, जो कि अल्ट्रासाउंड पर इतना क्लियर हमें उसको हम नहीं देख सकते हैं. बाकी हमें इस तरह अल्ट्रासाउंड को पैथोलॉजी नजर नहीं आई है, लेकिन वो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कंप्लेंट्स के साथ, तो हम लोग उसको MRI T1, T2 आप MRI में पढ़ ही रहे होंगे, व्हाट इज T1, T2 जहाँ पे फ्लूड के लिए हम लोग देखते हैं, वो फिर हम लोग जो है उसमें वाटर कॉन्टेंट्स को देखते हैं. MRI takes the lead as a gold standard. MRI तो ऑब्वियसली गोल्ड स्टैंडर्ड है ही फॉर द सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज है MRI इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. ठीक है, बट फॉर द इमीडिएट इवेल्युएशन, फॉर द डायनामिक इमेजिंग, फॉर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स और हम उनकी इंजरीज को देखते हैं, तो फिर हम लोग MS के मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड को ही ठीक है करेंगे. तो छोटा सा हमारा एक टॉपिक था एंकल जॉइंट का, बस इसमें आप लोगों ने उसकी एनाटॉमी अच्छे से देख लो, लिगामेंट्स, बोन्स कौन से इन्वॉल्व हो रही है एंकल जॉइंट में. ठीक है, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड बर्सास, दीज आर द एनाटॉमी. और जो दो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एंकल पे स्प्रेन और स्ट्रेन के होने के चांसेस होते हैं, तो स्ट्रेन इज द इंजरी ऑफ द टेंडन. तो इसके अंदर टेंडन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एचएलएस टेंडन जो कि पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट कंप्लेन्स विद स्ट्रेन. एंड दूसरा हमारे पास स्प्रेन है, दैट इज ड्यू टू द लिगामेंट. और हमारे पास यहाँ पे एंकल जॉइंट पे कौन सा लिगामेंट है, एंटीरियर टेलोफेब्रो. साथ ही याद हो गया आपको पूरा टॉपिक है इसमें और कैसे, और बाकी डिफरेंस बताया हुआ वाई अल्ट्रासाउंड वाई MRI. ठीक है, बाकी मोडालिटीज तो है ही है, लेकिन फॉर द सॉफ्ट टिश्यूज वी ऑलवेज रिकमेंड MRI या मस्कुलोस्केलेटल. तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कब हम लोग MRI एंड कब हम लोग जो है मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की तरफ पेशेंट को करवा सकते हैं. बट ऑल टाइम जिस तरह हम लोग कहते हैं बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टू वैल्यूएट एनी लीजन, कि हम लोग उसको प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके और प्रॉपर बता सके कि इज इट अ बेनाइन और मैलिग्नेंट लीजन. ठीक है, तो बायोप्सी हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा. ठीक है, और इसी तरह MRI जो है फॉर इमेजिंग मोडालिटीज में MRI इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. सारी इमेजिंग खत्म, MRI इज द बेस्ट मोडालिटी जिसके अंदर डिटेल्ड हमें सारी चीजें नर्व की भी और हर चीज जो है बहुत क्लियरली सिटी के भी एडवांस MRI पे देख सकते हैं. ठीक है, जो बिल्कुल डिटेल्ड इमेजिंग है सॉफ्ट टिश्यूज की, छोटी छोटी जितनी भी बोनी सब कुछ जो है ना वो MRI के अंदर. तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड विल बी ऑलवेज MRI. ठीक है, अच्छा जी, लेक्चर तो जल्दी खत्म हो गया, बाकी बातें कर लेते हैं. आर्टिफिशियल लेग्स के लिए एक्चुअली बस मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए उसके साथ, जब आर्टिफिशियल लेग्स लगेंगे उसको ज्वाइन करने के लिए कोई टूल्स तो वो यूज करते होंगे ना, मेटल की कोई वो स्क्रूज वगैरह होंगे या कुछ भी ऐसी चीज, तब हम लेकिन अब मुझे उनका तरीका नहीं पता कि वो क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं आजकल उनको आर्टिफिशियल के लिए. अगर मे बी अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि वो चीजें ना इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो फिर तो वैसे भी उस एरिया के लिए हम MRI क्यों, वो तो एक नॉन लिविंग ही चीज है, उसके लिए हम MRI क्यों करवाएंगे. ठीक है, अगर और किसी बॉडी पार्ट का MRI करवाना पड़े देन फिर हम लोग ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन जो पूछते होते हैं और उससे हम लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई जो है सिटी स्कैन करवा लो. बट अगर वाकई कोई सॉफ्ट टिश्यू नर्व के कोई देखना है तो MRI करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई इम्प्लांटेशन हुई हुई है मेटल की तब तो हम उसको नहीं करेंगे. ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जहां तक हमें बता सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड पे देख लें सॉफ्ट टिश्यूज के, हम सिटी की तरफ भी ना जाए, इतनी रेडिएशन क्यों दें हम पेशेंट को. ठीक है, अच्छा आप लोगों का पेपर 6 को है MSD का. अच्छा आ जाइए, वैसे मैंने अभी खोल के नहीं. मुकद्दस की अपडेटेड मेंटा मैंने अभी खोली नहीं है, अभी देखती हूँ जाके.
ठीक है, अभी कुछ बच्चों के क्लैशेज आ रहे थे, मे भी वो रिजॉल्व हुए हैं, लेकिन हमें सुनने में आया था कि जिन बच्चों के क्लैशेज आए हैं वो जो एक ही टाइम पे दो पेपर है, उनको बताया था कि उनको एक ही टाइम पे दोनों पेपर देने, हाफ हाफ टाइम में देने पड़ेंगे, बिकॉज उन्होंने को ड्रॉप कोर्सेज उठाया है, तो फिर बाद में यही मसले आते हैं, उनके लिए स्पेशल तो नहीं है, तो वो फिर हाफ टाइम में वो दे हम हाफ टाइम में वो दे, उनके लिए ये आया था। बाकी मैं देखती हूँ, मैं भी कुछ चेंज आया और कुछ इन्होंने मिस मुकद्दस ने चेंज किया, अभी मैंने डे शिफ्ट देखी नहीं है, वैसे तो सिक्स ही है मेरा। फार्मा के साथ किसी का ना आ रहा था क्लैश, मेरे ख्याल मेमो वालों का आ रहा था, फार्मा मेरे ख्याल उन्हीं का चेंज हुआ है ना। चलो अच्छी बात हो गई है, 8 को अब मेमो चला गया हुआ है और बाकी 6 को आता है और रीजनल 7 का ठीक है। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको एमसीक्यूज ना दो, क्योंकि आपका मिड टर्म एमसीक्यूज फाइनल में दे देंगे, तो एमसीक्यूज और एक डायग्राम, ठीक है, डायग्राम लेबल करने को दे दूंगी कोई, ठीक है, तो आप देख लेना उस इमेज को अच्छे से कोई भी, तो एक डायग्राम और 30 मार्क्स का दे दूंगी, 25 एमसीक्यूज और 5 मार्क्स की डायग्राम, ठीक है, तो 20% का आपका एग्जाम हो जाएगा। इस तरह भी दे सकती हूँ कोई, अगर कोई एनाटॉमी को लेबल करने के लिए, जो भी आपके आपके लेक्चर्स में है ना इमेजेस, बस उनको देख लो, अल्ट्रासाउंड वाली वो इमेज होगी जो क्लियरली पता चल गया ये चीज ये है ये चीज ये है, क्योंकि एमएसपीएस करके हमने काफी चीजें जो है वो थोड़ी समझ नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निक इसीलिए है क्योंकि जब आप प्रोब रखोगे लाइव कर रहे होगे तब आपको पता चलेगा आपने प्रोब रखी किस जगह पे, सारे स्ट्रक्चर्स तो आपको मैंने दिखा दिए, लिगामेंट ऐसे नजर आएगा, टेंडन ऐसे नजर आएगा, ठीक है, अगर टीयर होगा तो ऐसे नजर आएगा, ये तो आपको नॉर्मल चीजें देखने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस जगह का टेंडन है, उसकी जगह का टेंडन तो सारे एक जैसे हैं, लिगामेंट्स एक जैसे हैं, लेकिन वो आपको प्रोब रखते हुए। हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अगर कोई इस तरह की डायग्राम है तो आपको टेंडन्स तो पता चल गया ना किस तरह के नजर आते हैं, उनकी एपिजेनेसिटी उससे मसल से कैसी होती है, लिगामेंट्स कैसे ब्राइट वाइट बैंड नजर आते हैं, ठीक है, आगे बोन के साथ अटैचमेंट आ रही है और पीछे मसल क्या है, तो आप ये चीजें तो अगर मैं लिखती हूँ लेबल करने को तो आप सिंपल लिख दो टेंडन, सिंपल लिख दो लिगामेंट, ना लिखो कि कौन सा टेंडन कौन सा लिगामेंट कौन सा, जो चीजें ना समझ आए ये तो पता चल रहा है कि टेंडन है हाफ नंबर, तो अगर अगर पूछूं तो अगर क्लियर, अगर नहीं समझ आती तो छोड़ना मत, कभी भी समझ आ रही है कोई लिगामेंट है तो लिख दो सिर्फ लिगामेंट, ना लिखो ना, ठीक है, तो वो लिखा इस तरह लिख दो। अगर मैं इस तरह की कोई डायग्राम देती हूँ, अभी तो मैंने पेपर ही नहीं बनाया, अभी तो मैं देखती हूँ जाके पेपर देना क्या है, ठीक है, तो वो फिर ये वाली चीजें जो है ना कभी भी छोड़ना मत के नहीं समझ आ रहा, ये तो समझ आ रही है ना कि ये बोन है पीछे कुछ डीयर शेडोइंग है, तो कोई बोन हो सकती है, लिख दो बोन। हाँ, अगर मैंने इस एरिया को लिख दिया कि दिस इज अ नी जॉइंट एरिया, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नी जॉइंट के अंदर ये कौन सा बोन हो सकती है और ये कौन सा लिगामेंट हो सकता है जो दोनों बोन्स को यूनाइट कर रहा है ऊपर साइड पे, ठीक है, तो वो चीज आप जरूर देख लेना। बाकी जो है कोशिश करूंगी कि इजी सी दूं, मुश्किल ना हो, जिसको आप फौरन से डिटेक्ट कर सको अल्ट्रासाउंड की अगर इमेज देती हूँ तो, और दूसरी अगर देती हूँ तो वो देख लेना कि कोई वो तो इजीली आप देख ही लोगे कि लेबर करने के लिए, ठीक है, तो इजी से ही होगी डायग्राम, तो मुश्किल नहीं होगी। बाकी कुछ एमसीक्यूज 25 देती हूँ, मैं वही सोच रही हूँ, अभी मैंने अभी अभी सोच रहा है, ताज़ा ताज़ा मेरे सेम में आया, तो 25 एमसीक्यूज दे देती हूँ, 5 मार्क्स की एक डायग्राम दे देती हूँ लेबर के लिए, चेक करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है वो फिर आपको पता है हर बच्चे को उसमें ही होता है कि मार्क्स की वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, किसी बच्चे ने वही चीज थोड़ी डिटेल में लिखी है उसको अच्छे नंबर मिल गए या उसको, किसी बच्चे ने वही चीज उस तरह वो मार्क्स तो थोड़ा बहुत हो जाता होता है, किसी को थोड़े से एक दो ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, तो वो टीचर्स के ऊपर होता है, किसी ने जरा अच्छे से लिख लिया उसको जरा अच्छा नंबर मिल गया, तो वो फिर सोच के देने पड़ते हैं नंबर के इस तरह, तो ये तो डायरेक्ट जिसने जो लिखा उसके उतने ही नंबर, ठीक है, इसी तरह आपके लेबलिंग के जो है वो है उसने नहीं लिखा जीरो, अगर हाँ लिगामेंट को पूछा और नाम नहीं बताया आधा लिख दिया लिगामेंट तो हाफ नंबर तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा उसको, ठीक है, तो छोड़ा मत करो, कुछ ना कुछ लिख जरूर दिया करो, लेकिन बोंगी मत लिखना कि पता नहीं क्या सर को पाँव लिख दो पाँव को सर लिख दो, ठीक है, लेकिन जो चीज़ उससे मिलती जुलती समझ आ रही है उसको लिख दिया करो। बाकी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो आपने खुद ही
उसमें भी छोड़ा मत करो। अच्छा कुछ बच्चे जो है अंदर, आपको पता ना ऑन कैंपस ये बबल शीट को इसी तरह फिल करना है, कुछ कह रहे होते हैं मिस अंदर सही लिखा था बाहर गलत हो गया, बाहर गलत लिखा था, आपकी बबल शीट जो है ना वो चेक होगी एक दफा पहले, बेशक अंदर जो भी गंद गुंद मारना है अंदर मार लो, एक दफा सही कर लिया एक दफा गलत कर लिया, लेकिन बबल शीट को क्रॉस मत किया करो। वो जहाँ पे डबल आपके पता है आपको, तो जहाँ पे वो डबल आपके वो चेक हुआ होता है या दो आपके ऑप्शन वो तो 0-0 बेशक सही भी हो, ठीक है वो तो वैसे कैंसिल हो जाता है, तो एक दफा सोच के बबल शीट एंड में फिल किया करो पहले जब अंदर आप लोगों ने सारे उसको फिल कर दिया, ठीक है उसको तरीके से उसको प्रॉपर जो है ना एंड में फिल किया करो, ठीक है। इसके अलावा बस एग्जाम आपका इतना मुश्किल नहीं होगा, फाइनल में देखेंगे फिर अभी तो, ठीक है। असेसमेंट आपकी और क्या रह गई है, 30 मार्क्स का ये हो गया, असाइनमेंट हो गई आपकी 10 मार्क्स की, 30 हो गया अभी तक, और फाइनल आपका 60 है, तो उसमें आपके 40% के तो पेपर हो गए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम, जो बच्चे अभी बाहर हैं जो कि अभी मिड टर्म के लिए नहीं आ सकते, तो उन वो कैसे देंगे, उनका ऑनलाइन नहीं हो सकता पेपर उसी टाइम पे सेम डे सेम टाइम? सोचा था मैंने कहा शायद उनको ऑनलाइन हम लोग एक वही पेपर ऑनलाइन उसी टाइम पे रख ले, ठीक है जिस टाइम पे बाकी सब पेपर दे रहे हैं, मैंने लेकिन कल पता चला कोऑर्डिनेटर से कि अभी ऑनलाइन तो आपने लेना ही नहीं है ना, ऑनलाइन तो वैसे ही खत्म हो गया होगा, तो ऑनलाइन लेना नहीं है, बट फॉर ओवरसीज उनके लिए कहा है कि अभी सर से बात होनी है, मीटिंग होनी है, तो सर क्या हमें कहते हैं या आई ग्रेड वाली पॉलिसी शायद लगे कि वो जी उनको रीटेक लिया जाएगा और इस तरह करके कुछ, लेकिन होगा इसी तरह एग्जाम में जब आप लोग आओगे, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, वो आज मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा कि ओवरसीज वालों का कैसे होगा एग्जाम। अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ पे भी पता किया था टिकट्स का फ्लाइट्स का, लेकिन अभी जो है ना कुछ फ्लाइट्स बंद हो गई हैं और जो टिकट मिल रही है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर मीटिंग होगी मतलब आप भी होंगी तो आप भी सुनने कहेगा बेशक उस मतलब सेम डे सेम टाइम पे पेपर ले लें, तो इस तरह चीटिंग का भी वो नहीं होगा क्योंकि उसी दिन पेपर होगा उसी टाइम पे होगा, लेकिन ये तो मैंने कहा था लेकिन उन्होंने कहा सबके लिए एक ही चल रहा है, लेकिन आज पता चलेगा मीटिंग में उनके सर से क्या डिसाइड होता है, लेट्स सी। ओवरसीज और भी बहुत से हैं पाकिस्तानी जो गए हुए बाहर जो नहीं आ पा रहे हैं और आ भी रहे हैं, मेरा ख्याल इधर से कनाडा जाने के लिए तो मेरा ख्याल बाय टर्की जो है वो उधर उनको रख भी रहे हैं 14 दिन के लिए, मेरे जो जानने वाले हैं वो भी गए हैं, तो उन्होंने जाना कनाडा था लेकिन वो बाय टर्की गए, उनको 14 डेज के लिए पहले टर्की स्टे करना पड़ा, देन वो आगे कनाडा गए हैं, फिर वहां जाके 14 डेज का उनको क्वारंटाइन, पूरा एक महीने बाद वो अपनी फैमिली से बंदा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मैं फ्लाइट्स का मैं भी पता कर रही हूँ, बट इस जस्ट की पीआईए की सुना है कि अभी बंद हो गई है क्योंकि एक डायरेक्ट फ्लाइट एक सिर्फ वो ही आती है, और वो कोशिश करना कि अगर हो जाए उस टाइम तक पेपर तक अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो है तो वो तो जो भी ऑप्शन होगा फिर जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी वो तो ठीक है। और कुछ टाइम है अभी और कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, हम प्रोब को लेते जाते हैं और हम लोग सारे कंपार्टमेंट्स को रेडियस अल्ना या अल्ना जो भी हमें पता है अल्ना साइड पे दो कंपार्टमेंट है बाकी वन जो है वो रेडियल साइड में, तो फिर हम लोग उस साइड से शुरू करते हैं एक कंपार्टमेंट को देखना और दूसरी साइड की तरफ को जाते साथ, बस प्रोब को यूं ट्रांसवर्सली मूव करते जाएंगे और उसको देखते जाएंगे। लेकर जाना पड़ रहा है तो आप यहाँ तो यूं हाथ करना मुश्किल है, अब प्रोब यूं रख लो, ठीक है पूरा यूं ट्विस्ट करोगे हाथ को तो वो पेशेंट के लिए अनकम्फर्टेबल हो सकता है, ठीक है तो आप प्रोब को इस तरह रखते हुए थोड़ी सी प्रोब यूं ले जाओ, लेकिन प्रोब रखोगे तो आपको पता एयर गैप है इतना सा एरिया सिर्फ प्रोब के नीचे आएगा, ठीक है तो आप कोशिश करो उसकी पोजिशनिंग यूं कर लो या फिर आप कोशिश करो कि इसको प्रोब को थोड़ा सा एंगल यूं दे के रख लो, ठीक है लेकिन आपको फिर नेट में उसकी पता है ट्रांसवर्सली वो देखनी पड़ेगी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नेट में डिफरेंस हो जाती है, ठीक है तो फिर वो तो फिर जब टेक्निक यूज करोगे तो फिर ही है। थोड़ी सी लेकिन वही ना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है, यहाँ प्रोब रख लो या पेशेंट के हेड को इस तरह मूव कर लो, ठीक है तो दोनों पोजीशन जहाँ पे कंफर्टेबल हो आपको, प्रोब के रखने से भी आपको पता है
एयर आ जाती है तो इतना सही एरिया स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। तो वो या फिर आप प्रो भी मूव कर लो या हैंड को मूव कर लो, जैसे आपको इजी लगता है। मैम हाँ जी, आज लास्ट लेक्चर था या और भी लेक्चर है? किसने कहा? मैं पूछ रहा हूँ मैम। नहीं आज लास्ट लेक्चर तो नहीं है, अभी है लेक्चर तो। अच्छा ठीक है, अभी एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद फिर करेंगे। और एग्जाम के बाद कोशिश करो आप फ्री हो जाओ तो मुझे थोड़ा सा टाइम आप लोगों से भी चाहिए फॉर सेमिनार, 3 डेज वर्कशॉप जो हम लोग करवानी है ना उसके लिए मुझे कुछ बच्चे चाहिए उसके लिए। आप लोग मुझे फ्री हो जाओ एग्जाम से आराम से, ये ना हो कि अभी से शुरू हो जाओ, पेपर अच्छे से दे लो, फिर उसके बाद हमारे पास फ्री टाइम होगा उसमें हम लोग वर्कशॉप का मेरा है राधा टाइम होगा, हमारे पास फाइनल तक सिलेबस तो कम्प्लीट कर ही चुके होंगे तो हम लोगों ने अच्छा से मुझे आइडियाज आप लोगों ने भी देने हैं ताकि हम यूनिवर्सिटी में बता सकें कि इमेजिंग वाले बच्चे भी हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके लिए कुछ मेरे पास आना, आप लोग कुछ जो है पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कुछ, हम लोग यूएमटी के जो जो ये सेमिनार इस तरह के कंडक्ट करवाते हैं मुझे नहीं पता कौन सी थी, ठीक है, सोसाइटी जो भी है उनसे बताना पता करके मुझे भी क्या किस तरह होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने करवाया तो उस वक्त मैं बिल्कुल नई नई आई थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैंने इनके वो सर्टिफिकेट्स भी रखे थे बच्चों के लिए लेकिन वो भी बड़े टाइम बाद मिले, और क्या मिस कुरत उस वक्त हुआ करती थी कोऑर्डिनेटर, तो कहती है मिस ये सब कुछ पहले से डिसाइड करना पड़ता है, सब कुछ मैंने ऑन स्पॉट ही किया था इस तरह इस तरह, तो इस वजह से काफी उसमें प्रॉब्लम्स आई थी, तो इस वजह से पहले से हम लोग पहले उसको प्लान करके प्रॉपर इस दफा फिर हम लोग करवाएंगे। प्लानिंग होगी ठीक है कि हम बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स रखेंगे और 3 डे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए उनकी, और एक दिन हम लोग रखेंगे फॉर आउटसाइडर्स, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट कुछ आएंगे ठीक है, उनके लेक्चर्स होंगे एक दिन लेक्चर किसी रेडियोलॉजिस्ट का रखेंगे, एक गायनोकोलॉजिस्ट का कोई लेक्चर रखेंगे, और एक जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जितने भी सीनियर्स बाहर अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई इधर गल्फ वाली साइड में है, उनसे रब्ता कर सकूं, और हमारे पास कोई एज अ वेबिनार वो हम बेशक जूम के ऊपर हमें जो है वो कुछ बाहर बता सकें स्कोप के वो किस जगह जॉब कर रहे हैं और वहाँ का क्या क्राइटेरिया है वहाँ पे जॉब करने का, और वो लोगों को एक उनसे इतना वो समझ लो कि उनकी थोड़ी सी कि किस तरह वो वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, उनकी एक कहानी सुन लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर क्या लेना है वो थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो कोई ना रखे, मेरी एक फ्रेंड भी है बल्कि जूनियर ही है मेरे से, तो जूनियर थी वो शौकत खाना में जॉब कर रही थी न्यूक्लियर मेडिसिन में, अब तो माशाल्लाह यूके में गई है वो और यूके में अभी जॉब कर रही है, उससे भी मेरा वो न्यूक्लियर मेडिसिन में है, ठीक है। तो इस तरह और भी कुछ है तो गल्फ वाली साइड वालों से भी किसी से रब्ता करते हैं कि गल्फ वाली साइड पे कोई हो तो आप लोग वो फिर ड्यूरिंग लेक्चर्स आप जब रेडियोलॉजिस्ट के लेक्चर्स होंगे तो उसी टाइम पे हम लोग उनको जूम की एक रख लें, ठीक है, उस दिन वो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस दे दें कि अबाउट योर फील्ड अबाउट फ्यूचर के क्या आप आगे किस तरफ जा सकते हो स्टडीज के लिए अगर है, ठीक है। और एक सुहेब भाई हैं शायद काफी लोग जानते भी होंगे, यूएल में होते थे वो वाहिद हैं जिन्होंने पीएचडी किया एमआईटी में ना, तो वो पीएचडी अब तो वहाँ पे होते हैं कतर में है शायद, हाँ कतर में है, ठीक है, उनकी वाइफ भी उन्होंने एमआईटी की थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, तो दोनों वहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब पे हैं, तो उन्होंने पीएचडी किया और वो जो है ना वो भी आपको इन चीजों के बारे में स्टडीज के रिलेटेड भी चीजें बता सकते हैं कि आप अपनी स्टडीज को परस्यू करो आगे, ठीक है, और साथ में जॉब तो ऑब्वियसली है ही है, बाकी कुछ सर्टिफिकेशंस का वो बता देंगे कि इस कंट्री के लिए किस तरह आपने अप्लाई करना है, तो आपको थोड़ी अवेयरनेस देने के लिए ना एग्जामिनर, ठीक है, उस दिन आप वर्कशॉप इस तरह लेक्चर्स वगैरह रख देंगे, रेडियोलॉजिस्ट आपको बता देंगे पाकिस्तान के रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, जरा अच्छे अच्छे जो कि हमें बाकी कुछ समझते हैं, ठीक है, और वाकई एमआईटी वालों के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे हैं काफी, कुछ तो काफी कहते हैं कि इनको क्या आता है काम, कुछ भी नहीं, इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको हटाओ साइड से करो, अभी हमारी जो है ना सीटें लेके बैठ गए हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी इनवाइट करेंगे हम लोग उनकी लेक्चर्स के लिए, और इसके अलावा फिर हम एक दिन जो है हैंड्स ऑन करवाएंगे उन डॉक्टर से भी करवाएंगे कि वो अपने कुछ क्या कहते हैं अपनी स्किल्स कुछ तो आप लोगों से शेयर करें कि किस तरह वो स्कैन का किस तरह क्या करना है, ठीक है। तो और एक बाकी हम लोग जो है इधर स्टॉल्स वगैरह कुछ लगाएंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे 3 डे वर्कशॉप चल रही है, तो उसमें आप लोगों ने अवेयरनेस देनी है स्टूडेंट्स को बाकी यूएमटी में भी कि रेडिएशंस क्या हैं, रेडिएशन के हैजर्ड्स क्या हैं, कितनी नुकसानदेह है, ठीक है, रेडिएशन आजकल जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू रेडिएशन ही हैं, हम रेडिएशन में ही तो रह रहे हैं, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड रेडिएशन नहीं है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जितनी भी है वो तो चलो नहीं नुकसान है, आयनाइजिंग रेडिएशन का क्या क्या कहाँ कहाँ हमारे नुकसान है, ठीक है, ये हमारे सिग्नल्स, ये हमारे वाईफाई,
ये हमारे रेडिएशंस, ठीक है. तो कल मैमोग्राफी में भी यही बात हो रही थी कि जो हमारे रेडिएशंस हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा शौकत खानम में, या मतलब कैंसर्स ज़्यादातर जो है वह नॉर्दर्न साइड से ज़्यादातर लोग होते हैं, ठीक है. शौकत खानम में चले जाओ पठानों को, और वो ज़्यादातर वहाँ से, इसीलिए शौकत खानम पेशावर में भी बना था. क्यों उन लोगों को इतना ज़्यादा हो रहा है कैंसर? बिकॉज हिली एरियाज में तो हैं, हिल्स भी तो आपको पता है एक रेडिएशन इमिट कर रही हैं उस इलाके में, ठीक है. तो उसके ऊपर भी रिसर्चेज हो रही हैं. क्या मतलब ये कि रेडिएशंस ही आपको, हर तरह की रेडिएशंस ही जो है वो कैंसर कॉज कर रही हैं, रेडिएशंस ही आपके अंदर बीमारियां, जिनकी कॉज नहीं पता वो रेडिएशंस ही हैं, ठीक है. तो कुछ हमने जिस तरह कल पढ़ा था, कुछ सोमैटिक इफेक्ट्स होते हैं, कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं. सोमैटिक वो जो कि आप एक्सपोज हो रहे हो रेडिएशन से, उनके अंदर जो इफेक्ट्स आते हैं, और जेनेटिक जो कल हमने पढ़े थे जो जीन्स में आगे ट्रेवल करते हैं, कि वो बंदा जो कि रेडिएशन में काम कर रहा है उसको तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आने वाली जो भी उसके जीन्स में आगे ट्रेवल किया बच्चों को जो है उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, और वो उसके जेनेटिक इफेक्ट्स रेडिएशन के थे, ठीक है. वही वही एग्जाम्पल है जिस तरह जापान में हुआ था, मैंने एग्जाम्पल दी भी थी आपको कि वहाँ पे जो अभी तक उन बच्चों में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्या थी? उन रेडिएशन के जेनेटिक इफेक्ट्स थे जो जीन्स में ट्रेवल हुए थे, जो उन्हीं लोगों को इफेक्ट हुआ था जिन्होंने जो एक्सपोज हुए थे उन रेडिएशन को, डेट वॉज अ सोमैटिक इफेक्ट, ठीक है. तो सोमैटिक इफेक्ट और हमारे पास जेनेटिक इफेक्ट्स का डिफरेंस बताओ, बच्चों को बताओ, इधर लोगों को बताओ, इवन फैकल्टी को बताओ, यहाँ पे वो खुद इंटरेस्ट लेंगी कि रेडिएशन के बारे में बनाओ साइंस इस तरह के अलार्मिंग साइंस, हाउ डेंजरस रेडिएशन आर फॉर योर सेल्स, कैसे वो डैमेज कर रहे हैं आपके सेल्स को, और कैसे वो आपको आगे अर्ली इफेक्ट्स हैं, कुछ कुछ लेट इफेक्ट्स हैं, ठीक है. तो जो हमारा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है ना, वो इसी वजह से है सारा कुछ. तो आप लोग अपनी डाइट्स, इवन हमारी ऐसी हैं हर चीज़ में स्टेरॉइड्स, हर चीज़ में चीज़ें, फिर डाइट हमारी उसी तरह, हेल्थ भी ख़त्म होती जा रही है. तो अवेयरनेस देनी है आपने रेडिएशन की, ठीक है. रेडिएशन हैजर्ड्स, बाकी रेडिएशन बताओ, मोडालिटीज के बारे में कुछ बताओ, ठीक है. बनाओ कोई चीजें एकदम, मजा आता है इन चीजों का. अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में बनाते होते थे वो क्या वो जो होते होते हैं हाँ मॉडल्स, कुछ इस तरह के बनाओ, ठीक है. मजा आता है काम करने का, कि जब फ्री टाइम हुआ करे तो कोशिश करो इस तरह की चीजों की अवेयरनेस. 3 दिन का ये है, फिर कोशिश मैंने ये भी करनी है. मैंने सर से भी मीटिंग में बात की थी, वही मैंने कल भी क्लास में बताया था कि मैंने आप लोगों की हॉस्पिटल रोटेशंस रखनी है, बट वही चीज़ की इतनी ज़्यादा बच्चे जो हैं हम लोग हॉस्पिटल्स में लेकर नहीं जा सकते, 100, 100, 200 और अच्छे हॉस्पिटल्स की, ठीक है. शौकत खानम हो गया, ठीक है, PIC हॉस्पिटल्स हो गया, मतलब जो अंदर हॉस्पिटल तक तो जा सकते हैं, बट प्रोसीजर्स दिखाने, कैथ लैब में लेके जाना, वो इतने ज़्यादा वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं कि हम इतने बच्चे वहाँ पे लेकर नहीं जा सकते. उसके लिए तो मैंने सर को सजेशन दी थी कि सर आप हमारे टॉपर्स को पकड़ें, जो हमारे डीन अवार्ड वाले हैं, रेक्टर अवार्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग जो है बच्चे भी कम हो जाएंगे, और उनको एक तरह से कोई फायदा भी हो जाएगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे, उनको ऐसा सर्टिफिकेट हम अच्छे हॉस्पिटल्स का विजिट करवाएं, उनको चीजें वहाँ पे दिखाएं, और वो जो पढ़ने वाले हैं जिनको इंटरेस्ट है वो नंबर भी ले रहे हैं, और उनको बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने हमेशा हॉस्पिटल का विजिट करा लो, उनको कोई फायदा है, कोई कराने का भी कोई नहीं, वहाँ पे भी घूम फिर के ही आ जाएंगे. तो फिर हम लोग बच्चे ही वही सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास एक अच्छे CGPA वाले हैं, ताकि हम लोग बच्चे भी कम बैचेस में डिवाइड करके उनको हॉस्पिटल, लेकिन उनको जरूर विजिट करवाएं, उनको सर्टिफिकेशन दें कि उन्होंने विजिट किया इस चीज़ का शौकत खाना में. और अल्लाह करे तुम लोग की अच्छी जगह पे आगे जॉब्स हों, अच्छे हॉस्पिटल्स में जॉब हों, शिफा हॉस्पिटल हमारा, शौकत खानम हॉस्पिटल, ठीक है, ये बड़े हॉस्पिटल्स में आप लोगों की जॉब हो, ताकि आप यहाँ से बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर जाने के लिए हर जगह पे आपको जाने के लिए एटलीस्ट 2 साल 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो वो हर उसके लिए आप एक्सपीरियंस अच्छी जगह से लेकर जाओ, ताकि आप लोगों को काम वहाँ पे ईजी हो, यहाँ से सीधा वो बुलाएं आपको, ठीक है. वो शौकत खानम वालों को तो ऐसे लेके जाते हैं घंटों में, ठीक है, इधर से आप पेपर वर्क करते हैं और उधर से वो उधर आपको बुलाते हैं. इतने हॉस्पिटल्स UK में जो है वो आपको, बस आपने काम सीखना है, काम सीखना है, अच्छी जगह से काम सीखो, और ताकि वो अच्छी जगह अच्छा स्टैंडर्ड वहाँ पे प्रोटोकॉल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो हाल आपको पता ही है, ठीक है ना, प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं. रेडिएशन के वो हाल है, वो बुरा हाल है कि आप दरवाजे खुले हुए हैं, एक्सरे हो रहे हैं, लोगों को भी एक्सपोज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, रेडियोलॉजी में. तो इस तरह पता ही नहीं है, इतनी सी शील्ड रखी हुई है, उसके पीछे 100 बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो सारा एक्सपोज कर रहे हैं रेडिएशन के, कितने ज्यादा फैक्टर्स
मर्जी से, जिस तरह मैंने कल बताया था, ओवरडोज देते रहते हैं, एक दफा गलत हो गया कोई बात नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। टेक्नीशियंस उनको क्या पता है रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में, चीजों का, रेडिएशन हैजर्ड्स के बारे में, क्या करते हैं, एक दफा गलत आपने एक्सपोज किया कोई बात नहीं, एक बताए बगैर जी आपकी पोजीशन थोड़ी सी और लेनी है, दो चार और उसके ले लिया, फ्रेंड्स ले ली, उसको एक्सपोज कर रहे हो, पेशेंट को कर रहे हो, ठीक है, गलतियां कर रहे हैं, बार बार उसको एक्सपोज कर रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है रेडिएशन की बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। उसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज, जिस तरह आपने उनके बारे में बताना है कि हम लोग इन पेशेंट को आप रेडियोलॉजी में, इमेजिंग में किस तरह और इमेजिंग मोडालिटीज आती जा रही है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको फ्लाई थ्रू दिखाया था, आपको कल मैंने उनको दिखाया था, फ्लाई थ्रू क्या होता है, वो जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, जिस तरह एंडोस्कोपी होती है ना, आप किसी हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर ट्यूब कैमरा इंसर्ट करके उसको देख रहे होते हो, इसी तरह हम लोग अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है आप उस हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो विदाउट एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई भी पेशेंट को हार्म किए बगैर, सिर्फ अल्ट्रासाउंड की एक मोडालिटी। पैनोरामिक का तो मैंने आपको तो समय बताया, एक टेक्नोलॉजी है। फ्लाई थ्रू इमेजिंग जो है वो एक अलग एक वो उसमें होती है कि हम बिल्कुल हॉलो स्ट्रक्चर जो कि हमारे ट्यूब्स है उसके अंदर कैमरा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर आप इस इमेज को देखो तो आप देख रहे हो ये जिस तरह हम लोगों को किसी एंडोस्कोपी के अंदर, हम लोग एसोफिगस के अंदर जाते होते थे, पूरी हम उसके इंटरनल लाइनिंग को देख सकते होते थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये देखो, ठीक है, ये जो हमारे पास इतनी सी बाइल डक है, इवन के फिलोपियन ट्यूब, आज तक किसी भी इमेजिंग मोडालिटी फिलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं कोई जा सकती, इतनी थ्रेड लाइक होती है वो, ठीक है। तो उसका बड़ा, अगर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कोई और फाइव को अंदर कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, उसकी इतनी सी बिल्कुल थ्रेड लाइक तो होती है वो ट्यूब, थ्रेड लाइक ट्यूब के अंदर आज तक एंडोस्कोपी भी जो है वो ड्यूडेनम तक जाती है, ठीक है। फिर आगे कभी भी बाइल को देखना, बाइल डक को देखना, पेंक्रियाटिक डक को देखना, इतनी बारीक बारीक डक्स को कभी भी नहीं इस तरह कैमरे की तरह देख सकते। अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेसिव, सिर्फ कर्सर रखो, ये जो जिस तरह कर्सर नजर आ रहा है ना, जिस भी जगह का हमने रखना है कर्सर रखो उसको, और वो उसको सिर्फ प्रेस कर दो एक बटन को, वो खुद ही ट्रेवल करता जाएगा, और आपको ये थर्ड जो विंडो नजर आ रही है ना, ये वाली इसके अंदर आपको इसी तरह लगेगा जिस तरह आप किसी हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं। ये देखो, इसी तरह वॉल के अंदर इंटरनल लाइनिंग को आप देख रहे हो, इस तरह ऐसा कैमरा, दिस इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है, ये मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नीशियन से सिर्फ रेट मत करो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी को, ये नई नई टेक्नोलॉजी इमेजिंग में आ रही है। फिर थोड़े अरसे बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हम लोग इस तरह इमेज कर सकते हैं, 3D हो गया, 4D हो गया, टेक्नोलॉजी डे बाई डे आ रही है। तो ये आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं, रिसर्च वाली साइड पे जा सकते हो आप लोग, ठीक है। पेरिस और ये फ्रांस वगैरह में बहुत रिसर्चेस वगैरह करवाते हैं ये लोग, ठीक है। कोशिश करो अगर वहाँ पे आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, यूरोप में भी कहीं जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो वो आपको रिसर्च जो मेरी शौकत फलन की करती थी, वो आप रिसर्च कर रही है वहाँ पे, पता नहीं कौन कौन से, पता नहीं कहाँ कहाँ रिसर्चेज हो रही है उसकी, ठीक है। पूरे यूरोप में फिरती होती है, मेरे पास फेसबुक पे भी ऐड है, तो देख के खुशी होती है कि लोग जो है वो इतना फील्ड से प्यार कर रहे हैं, और फील्ड में आगे तो ये नहीं कि बस इतना पढ़ लिया तो बस इतनी सैलरी मिल रही है, जॉब मिल गई बस, आप आगे और जाने की कोशिश करो। आप लोग भी हो जिन्होंने आगे बढ़ना है, उस फील्ड के अंदर और चीजें लेकर आनी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और रिसर्च करो, और हम अच्छी टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, ठीक है। और वो पता नहीं क्या चूहों पे करती रहती है रिसर्च, कभी कुछ करती रहती है उसके, तुम्हें देख देख के मतलब क्या तुम पागलों वाली हरकतें करती रहती हो, और रिसर्चर सही रिसर्चर्स वो होते हैं, ठीक है। और बाहर तो आपको पता है रिसर्च किस तरह करवाई जाती है प्रॉपर, आपको हर चीज यहाँ पे इस तरह नहीं कि फेक डेटा ले लिया और चलो रिसर्च हो गई, ठीक है। वहाँ पे तो हर चीज प्रॉपर तरीके से की जाती है, तो खुशी होती है उनके लोगों को देख के वाकई वो अपनी चीज में आगे एक्सेल कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों में भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो वाकई अपनी फील्ड को आगे लेकर जाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये नहीं कि कहीं जॉब मिल गई बस लेके बैठ गए, जॉब को नहीं सिर्फ लेना, पैसे मिल रहे हैं जॉब है बस, वो नहीं चीज, वो तो हर एक को मिल जाएगी इंशाल्लाह जॉब के, लेकिन आप लोगों ने अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना है, कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि सबसे डिफरेंट हो, ठीक है। फील्ड ऐसी ली है जो डिफरेंट है ना, जो इसका नाम नहीं है अभी लेकिन आ रही है, लेकिन उसका अब तक नाम जो है आना है, और बहुत अच्छा नाम आना है, ये बाकी मेडिकल से काफी अच्छी फील्ड है, ठीक है। तो इमेजिंग है, हर चीज को देखना और हर चीज को किस तरह देखना, टेक्नोलॉजी भी, और साथ में आप उसकी फिजिक्स भी इन्वॉल्व कर रहे हो, आप उसकी क्लिनिकल भी इन्वॉल्व कर रहे हो, आप इंजीनियर भी हो, आप डॉक्टर भी हो, दोनों हो, ठीक है। बाहर के मुल्कों में कहीं आपके पास रेडियोलॉजिस्ट आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो बैठे हुए अपने रूम में, और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड इंशाल्लाह आ जाने, और ऐसा आ रहा है जिस तरह मैंने पैक्स का बताया था कि पैक्स सिस्टम हर जगह पे लग रहे हैं,
डॉक्टर सिर्फ अपने रिपोर्टिंग रूम में बैठा करेंगे, आपने ही सारी स्कैनिंग करनी है, आपने ही अल्ट्रासाउंड करना है, और धड़ाधड़ बस इमेजेस आपने क्लिक करने पे डॉक्टर्स के पास पहुंच जाएंगे, उन्होंने बस अपनी जगह पे बैठ कर रिपोर्ट करना है, जो इमेज आप भेजोगे उन्होंने वो ही रिपोर्ट करना है, गलत सही आपके ऊपर है, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हर चीज के लिए, पेशेंट के लिए, खुदा ना खास्ता किसी का इतना बड़ा। तो ये चीज जहन में रखना कि एक कहते हैं ना किसी की जान आपके हाथों में भी हो सकती है, किसी की, आपने गलत कोई चीज राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट कर दिया ना तो बहुत एक पेशेंट के लिए मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो हर चीज आपके हाथ में, उन्होंने तो जो आपके पास उनके पास इमेज आएगा उन्होंने फटाफट से बस ये इमेज आया रिपोर्ट कर दी, उन्होंने बैठ कर रिपोर्टिंग करनी है, रेडियोलॉजिस्ट का काम सिर्फ रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, बाकी सारा काम आपका है। आपने इवन मशीन्स के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने उसकी खराबी कुछ होती है कुछ भी उसके, जिस तरह मैंने आपको कुछ बताए थे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो चीज़ें थी, ठीक है, आपने इंजीनियर्स के साथ इनके साथ रहना है, आपने डॉक्टर्स के साथ रहना है, आप रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के लिए, आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के कैलो शहजादे हो, सारा कुछ आपके अंडर है, ठीक है। तो डॉक्टर्स को मशीनों का नहीं पता, डॉक्टर्स को कुछ फिजिक्स का नहीं पता, वो सिर्फ रिपोर्ट करेंगे, क्लिनिकल पता है उन्हें डॉक्टर, वो भी किसी हद तक, ठीक है। रिपोर्टिंग रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, एम्बुलेंस डॉक्टर, देन एफसीपीएस करते हैं वो, और एफसीपीएस के बाद वो रेडियोलॉजिस्ट जो है ना रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, वो भी सोनोलॉजिस्ट करेंगे और साइन, हाँ आप उनके साथ कर सकते हो कि उनको दिखा दो साइन, उनसे करवा लो वो एक दफा, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो है ना, बाहर भी रेडियोलॉजिस्ट ही करते हैं, बस ये है कि आप लोगों ने उसको रिपोर्ट जो मेजर मेजर है वो आप कर सकते हो, और जो इस तरह है वो आप फिर आप रिपोर्टिंग रूम में सेंड करते जाते हो, स्कैन आप करोगे, बस आपने क्लिक किया उधर चला गया, आपका भी नाम आता है, जिस तरह आपने देखा होगा लैब के आजकल जो पाकिस्तान में भी सुखताई लैब ये वो जो टेक्नोलॉजिस्ट MLT वाले हैं जो लैब में काम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के नीचे देखा करो, एक तरफ जो है वो पैथोलॉजिस्ट का साइन होता है, एक तरफ टेक्नोलॉजिस्ट का साइन होता है, दैट मीन्स उसने परफॉर्म किया है सारा कुछ, तो वो भी अपनी रिपोर्ट पे साइन करेगा, ठीक है। तो वो उनको लेकिन इंडिविजुअली अभी तक आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ है लाइसेंसेज वगैरह अगर क्लियर कर लेते हो, कुछ लाइसेंसेज भी होते हैं, वही चीज़ें हम लोग जो है अब्रॉड वाले लोगों से भी करेंगे कि वो हमें कुछ बताएं ताकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो कि बाहर किस तरह काम हो रहा है, बाहर रिपोर्टिंग का क्या काम है, किस तरह हमारा क्या कहाँ तक रोल प्ले हम कर सकते हैं, हर चीज़ बाहर तो आपको पता ही है कि जो स्पेसिफिक काम जिसने करना है वो उतना ही करना है, हमारे तो कहते हैं ये भी कर लें तो ये भी कर लें ये भी कर लें, हम ही सारा कुछ कर लें, ठीक है, लेकिन वो एक ही काम करते हैं और उसी में ही बहुत आगे तक जाते हैं कि एक ही काम करें और अच्छा करें। जो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट पाकिस्तान आते होते थे जो एकोकार्डियोग्राफी का था, अब हम जैसे पाकिस्तानी जो है ना डॉक्टर जब उनकी होती थी कोई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी उनसे पूछते होते थे कोई क्वेश्चन, एको का कोई आया, एको का जो बंदा होगा ना वो कभी भी हम कहेंगे ना एको का बंदा अल्ट्रासाउंड तो करनी आती होगी, चलो अल्ट्रासाउंड का कोई क्वेश्चन पूछना, वो वहीं पर नो बोल देगा, नो मैं नहीं जवाब दूंगा, मैं जवाब दे हूँ ही नहीं इस चीज़ का है, हालांकि वो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है बट वो एको की चीज़ें बताएगा आपको, एको स्पेशलिस्ट है बस दैट्स इट। हम कहते हैं चलो अल्ट्रासाउंड आता है तो उसको पूछो सर का भी बता दे, हड्डी उसको बता दे, उसका बता दे, उसका बता दे, तो बस नॉलेज होगी, नहीं वो स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड काम करेंगे और एक ही डेडिकेटेड काम इतना अच्छा करेंगे उसको एक ही चीज में इतना एक्सेल होगा। इसीलिए मैं कहती होती हूँ कि एक काम करो, एक फील्ड को पकड़ लो और नई कोई चीज पकड़ो। एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा अपना एक बना था, फिर उसके बाद में भी शादी वादी हो गई, नहीं होता टाइम इंसान के पास, मेरा था कि मैं ब्रेस्ट के ऊपर काम करूँ, ब्रेस्ट इमेजिंग के ऊपर, ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह तो हो रहे हैं लेकिन एक ऐसा क्लिनिक होना चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड मेरी रिसर्च थी, MS की भी रिसर्च उस पर थी और ग्रेजुएशन की भी रिसर्च उस पर थी, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ था कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर बढ़ते जा रहे हैं और उसके लिए कोई एक डेडिकेटेड एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जो कि सिर्फ ब्रेस्ट को डील करे, वहीं पर उसके लैब टेस्ट हो, ठीक है, वो पेशेंट आए तो उसको हर चीज़ उसी एक ही जगह पर मिले, ऐसा कोई ऐसा सेंटर नहीं है, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट से रिलेटेड वहीं पे उसका पैथोलॉजी हो उसकी, वहीं पे उसको पहले डॉक्टर चेक करे कोई बैठा हो, ठीक है, उस वहीं पे उसकी इमेजिंग हो, वो इमेजिंग अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है और इमेजिंग मैमोग्राफी भी हो सकती है, इमेजिंग हो गई वहीं पे उसका ट्रीटमेंट हो, ठीक है, वहीं पे वो ब्रेस्ट वो मतलब सेंटर ही एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट का हो जाए, ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे नहीं है, डैट मीन्स अगर ये स्टार्ट होता है तो इसका है ना कि लोग अट्रैक्ट होंगे कि भाई एक ही जगह में हमें सब कुछ ब्रेस्ट की, क्योंकि इतना डे बाई डे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहीं पर कोई जाएगा तो उसको इमेजिंग भी वहीं पर मिलेगी, उसके टेस्ट भी वहीं पर ही होंगे, उसकी उसको चेक भी वहीं पर किया जाएगा, उसकी पैथोलॉजी जो लैब टेस्ट है और इवन कि उसकी ट्रीटमेंट भी वहीं किया जाएगा,
ठीक है, उसकी रेडिएशन थेरेपी होती है, उसकी सर्जरी होती है, या उसको कुछ भी होता है, तो वो एक ही छत के नीचे उसको चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, फिर इलास्टोग्राफी जो एक नया आया था, मेरा यही टॉपिक था इलास्टोग्राफी के, बायोप्सी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन एक जो नई टेक्नोलॉजी आ गई थी नॉन इन्वेसिव है वो भी, उसके अंदर हम लोग बिनाइन और मैलिग्नेंट लेजन को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे थ्रू अल्ट्रासाउंड, ठीक है, वो एक नई चीज आ गई है कि हम लोग बायोप्सी वो भी वहां पे उसकी ट्रेनिंग दी जाए और सारा कुछ वहां पे वो चीजें, तो एक फोकस्ड चीज हो गई है। मेडिकल इमेजिंग में भी स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड या मेमो और स्पेसिफिक एक जगह, ठीक है, ब्रेस्ट को हमने उसी के ऊपर एक्सेल कर लो, उसी के अंदर जो जो इलास्टोग्राफी आ रही है, नई नई चीजें आ रही है, तो एक टाइम आएगा कि उसके अंदर ही सब कुछ एडवांसमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए एक चीज लो जिसका कोई इतना नाम नहीं है, नाम मेरा मतलब उस तरह है कि आप उसके उसमें एक्सेल कर सकते हो, आपको चांसेस होते हैं, जो चीज कम होती है ना आपके बढ़ने के चांस उसके ज्यादा होते हैं। इस फील्ड में जब हम जिस दौर में आए थे ना उस वक्त बहुत कम लोग होते थे, बहुत कम, ठीक है, अब तो माशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी ये करवा रही है लाइट हेल्थ साइंसेज, उस वक्त तो मर के कोई मेरे ख्याल 20-25 लोग होते होंगे जो कि बाकी होते थे ग्रेजुएट, बाकी तो सीट्स 20 होती थी, निकलते निकलते इतना ही रह जाते होते थे थोड़े से, फिर हर जगह पे, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन हाँ हमारे लिए मुश्किल भी उतनी ज्यादा थी, हमें कोई पूछता नहीं होता था उस वक्त तुम लोग कौन सी फील्ड में आ गए हो, ये सारी चीजें। अब तो बढ़ता जा रहा है इसका रुझान भी, जिस तरह स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, डिग्रीज का अपनी नॉलेज से बताते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, तो अब गवर्नमेंट में जॉब्स आ जाएंगी आप लोगों के लिए, 17 स्केल की जॉब अभी आई भी थी, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए फिर कौंसल बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान में भी सब कुछ हो जाएगा, और बाहर तो है ही है, लेकिन बाहर की भी कोशिश करो और अपनी स्टडीज को जरूर कंटिन्यू करो, ठीक है, स्टडीज साथ रखोगे इंशाल्लाह तो फिर आप साथ कोई भी जॉब करते रहो और सब कुछ होता जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन छोड़ना मत एक जगह पे। लड़कियों का मैं कहती हूँ हाँ चलो एक टाइम होता है शादियां वादियां हो जाती हैं फिर मुश्किल हो जाती है बाहर जाना, रिसर्चेस करना, ये करना, वो करना, लेकिन लड़कों को तो मैं बार बार कहती हूँ लड़कियां जो जितनी कर सकती हैं जरूर करें टाइम तक, ठीक है, मैंने अपने टाइम तक सब कुछ किया है, मैं अपने लाइफ से बड़ी सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जॉब भी की, मैंने उसकी रिसर्चेस भी की, मैं अब्रॉड भी होके आई, ठीक है, अपनी फील्ड से लेके चीजें और बाहर से चीजें नॉलेज भी लेके आई, मुझे जहां तक मैं कर सकती थी मैंने अपना 100% देके मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी फील्ड के साथ जो है किया। अब आगे अगर अल्लाह ने कभी मुझे टाइम दिया और हिम्मत दी तो कोशिश करूंगी कि आगे भी कभी कुछ कर सकूं, लेकिन आप लोग भी सिर्फ यहाँ तक फुल स्टॉप मत लगाना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, बाहर से नॉलेज लेके आना, बाहर की रिसर्च करके आना, ठीक है, जॉब्स अच्छी जगह करना, एक्सपीरियंस अच्छी जगह से लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छा नाम हो। सिर्फ UMT का लेबल लगा लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बिल्कुल वो हो गए हैं, UMT वाला कुछ भी पूछता ही नहीं है, नॉलेज से सब पूछते हैं बेशक कहीं के भी हो, ठीक है, नाम आएगा UMT का तभी जब आप लोग वाकई बताओगे कि हम UMT के हैं, हम सिर्फ स्लाइड वाले नहीं हैं, हम किताबों वाले भी हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, वो चीज़ आप लोगों ने अपने अंदर खुद से लेके आना, शौक पैदा करना है इन चीज़ों का, ठीक है, कि अगर ये है तो मैं खुद से भी अब डिफरेंट जाते हैं बच्चे हॉस्पिटल्स में अपने ऑन पे सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में देखो, ठीक है, एंजियोग्राफी कैथ लैब्स में जाओ, कोशिश करो किसी का रेफरेंस लगता है लगवाओ, नहीं लगता UMT वालों के पीछे पड़ जाओ, ठीक है, एहतजाज करो, मैं कहती हूँ, ठीक है, मैं तुम उनके साथ हूँ, शुरू हो जाए यहाँ पे कि हम लोग को डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अच्छी जगह पे विजिट्स करवाए जाए, ये करवाया जाए, ठीक है, तो ठीक है, बाकी कुछ और पूछना तो नहीं, टाइम हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट में एग्जाम मेरा ख्याल है इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये होना है, हाँ सैटरडे, ठीक है, इंशाल्लाह मैम आज लेक्चर का बहुत मजा आया, लेक्चर तो 15 मिनट का लेक्चर था, बातें लंबी थी हैं, बातों का मजा आया बातें तुम लोगों की काम की बातें हैं ना, मैंने कहा टाइम ना वेस्ट हो थोड़ा बहुत, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, जजाकल्लाह, ठीक है, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।